International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई चंद्र पायलट जी, ये आईसी जी के महामंत्री प्रभारी राजस्थान भाई अविनाश पांडे जी, सेवा दल के अध्यक्ष पारिक साहब, तमाम उपस्थित नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ आए हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, राजस्थान भर के आए हुए हमारे सक्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर आप सबको व तमाम प्रदेश के कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं पेश करता हूँ। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व गौरव का दिवस है। कांग्रेस की स्थापना लंबा सफर तय करते करते 134 साल हो गए, शानदार विरासत है, त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की, साजिश के साथ में देश को आज़ाद करवाया, गांधी जी के, पंडित नेहरू के, सरदार पटेल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रम बने। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया और वो संविधान 70 साल की परीक्षा में खरा उतरा। दुनिया भर के अंदर जितने संविधान हैं, हमारा संविधान लिखित में मजबूत संविधान बना। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की बात की गई और देखा आपने, सरकारें बनी लगातार, उसमें वही नीतियाँ, वही कार्यक्रम, वही सिद्धांत रहे, विचारधारा रही जिसके लिए चाहे इंदिरा गांधी ने अपनी जान लगा दी हो, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, उनको बम से उड़ा दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बैन सिंह जी, आप सबको मालूम होगा कितने लोग मारे जाते थे वहाँ पंजाब के अंदर, रोज हत्या होती थी 40-50-60 की। उन आतंकवादियों को खत्म कर दिया, नेस्ताबूत कर दिया, उनको ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बम से उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आतंकवाद के शिकार हो गई और मरने के पहले कहा इंदिरा गांधी जी ने, ये बार बार मैं लोगों को याद दिलाता हूँ, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। वो इंदिरा गांधी थी। एक तरफ तो ये शानदार विरासत है जिसके आप वाशिंदे हैं, जिसके आप वाशिंदे हैं, जो त्याग से, बलिदान से, कुर्बानी से पैदा हुई विरासत, कांग्रेस तिरंगे झंडे को लेकर के और 134 साल पूरे करने जा रही है, कितनी बड़ी गर्व की बात है। पूरे देश को गर्व होना चाहिए कांग्रेस तिरंगे झंडे पर। आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 20 साल से 21 साल से कांग्रेस तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रही है। आपको, हम सबको गर्व है, 10 साल तक शासन आ गया मनमोहन सिंह जी का, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए। ये मामूली फैसले नहीं थे जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे मुल्क में कानून बना के हैं। ये रोजगार 100 दिन का,
चाहे अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, गारंटी दी गई संविधान के अंतर्गत। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सोच थी। शिक्षा का अधिकार दिया गया सबको, सूचना का अधिकार देके पूरे विश्व में मैसेज दिया किस प्रकार ट्रांसपेरेंसी चाहती सरकार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो विरासत आपकी बहुत मजबूत है, गर्व करने वाली है, पूरे मुल्क को गर्व करना चाहिए, आम नागरिक को गर्व करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी के लोग हमारी विरासत को लेकर के क्या कमेंट करते हैं आपको मालूम है? पंडित नेहरू की विरासत को लेकर क्या कमेंट करते हैं आपको मालूम ही है? अरे पंडित नेहरू की विरासत तो त्याग की, बलिदान की, जेलों में जाने की है, देश के लिए, आज़ादी के लिए, शहादत देने की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी को शहादत है, वो विरासत है। पर आपके पार्टी की सोच वाले लोग आज़ादी जंग के अंदर मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, कल्पना करो, मुखबरी करते थे। वो लोग आज कांग्रेस विरासत की बात करते हैं, इतनी शर्म की बात। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम संस्थाएं बर्बाद हो रही है, जुडिशरी पे दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव, CBI, इनकम टैक्स, ED पे दबाव, पता नहीं चलता है बिना PMO के, तमाम फैसले PMO में होते हैं, देश कहाँ जा रहा है? ये सोनिया गांधी ने आह्वान किया आपसे आने का, आज ये मामूली आह्वान नहीं है, ये सोच समझ के भारत बचाओ, संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस बात तो आपको ध्यान होना चाहिए और यहाँ से संकल्प लेके जाएं। अभी चंद्र पाली जी ने आपको संविधान का प्रेम वर्त पढ़ के सुनाया, हम सबका ये कमेंट भी होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, संविधान की मूल भावना क्या है। एक एक शब्द आप अपने घर पे जाके निकालो, कंप्यूटर से निकालो, मंडा के रखो इसको, संविधान को। दिल्ली में अभी हम लोग बैठे हुए थे राहुल जी के साथ में, इंदिरा जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में, सबने वहां पर प्रेमवर पढ़ा है, हम देखा होगा 50 लोगों ने प्रेमवर पढ़ा होगा, सब भाषाओं में। देश के हर नागरिक को घर में मंडा के रखना चाहिए, देश में संविधान को खतरा है, जिम्मेवारी पूरे मुल्क के लोगों की है, लोकतंत्र को बचाना है। आज जिस प्रकार के फांसी से लोग आके बैठ गए हैं, लोकतंत्र का बाना पहन के चेहरा बना के बैठे हुए हैं, कोई आस्था नहीं है उनकी संविधान के अंतर्गत, ये मामूली खतरा नहीं है, बहुत बड़े खतरे हैं हमारे सामने, जिम्मेवारी हमारी बनती है। आप देख रहे हो एक के बाद एक 9 जगह चुनाव हुए देश के अंदर, 9 जगह बीजेपी कहीं नहीं जीत पाई है, राज्यों के अंदर एक के बाद एक जा रही है। वापस कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति है, उसके कार्यक्रम, वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे, देश को एक बार अखंड रखेंगे। इनकी भाषा, इनकी बोली, इनके फैसले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म के आधारित फैसले करते हैं। नागरिक अधिनियम ने कानून बनाया, अभी NRC की बात की, पूरे मुल्क में आग लग चुकी है, उस आग को इनका काम हमेशा आग लगाने का रहा है, और कांग्रेस तिरंगे झंडे का काम हमेशा आग को बुझाने का रहा है देश के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा, आज आपका आना मामूली बात नहीं है, आज आपका आना, संकल्प लेना, प्रिंसिपल पढ़ना, आप एक संकल्प के जाएं और एक एक घर में प्रचार करें, देश किस दिशा में जा रहा है, क्या हालात बन रहे हैं, पूरा मीडिया आपको बताएगा क्या हो रहा है देश के अंदर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये संकल्प आने वाले वक्त में प्रदेश को, देश को मजबूती प्रदान करेगा। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।